हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सत्तू की लिट्टी बनाएंगे। इसके लिए हम एक बाउल में हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज बारीक कट काट कर ले लिए हैं। मसाले में नमक, अजवाइन, कलौंजी, कसूरी मेथी, लहसुन कूट कर लिए हैं और हल्दी इसमें डाल देंगे। अब तेल डालेंगे, इसमें सरसों का तेल डालेंगे। अब इसमें खट्टे के लिए हम अचार डालेंगे। आपके पास नींबू है तो नींबू भी डाल सकते हैं। इसमें हम अचार डाले हैं और थोड़ा सा अचार का तेल डालेंगे। अचार का मसाला भी डाल सकते हैं आप। अभी इन सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे हाथ से ही मिक्स करना है। इसे हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम सत्तू डालेंगे। सत्तू को डालकर इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे ज़्यादा सूखा नहीं रखेंगे, नहीं तो लिट्टी फट जाएगा। इसे हम मिक्स कर लिए हैं। अब हम आटा गूंथ लेंगे। आटे में हम नमक डालेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे। नमक तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आटा गूंथ लेंगे। अब हम इसकी लिट्टी बनाएंगे। एक छोटी सी लोई ले लिए हैं। इसकी हम कटोरी बनाएंगे। इसमें हम सत्तू डालेंगे। आपको जितना पसंद हो उतना सत्तू डालें। अब इसे लॉक कर लेंगे चारों तरफ से। ऊपर का स्ट्राटा जो बचा है उसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम और सारी लिट्टी बना लेते हैं। दूसरी लिट्टी भी इसी तरह से बना लेंगे। इसकी कटोरी बना लेंगे और सत्तू भरेंगे इसमें। इसी तरह से हम सारे लिट्टी तैयार कर लेते हैं। सारे लिट्टी तैयार कर लिए हैं। इसे हम उबालने के लिए पानी लिए हैं। पानी में एक उबाल आ जाएगा, उसमें हम लिट्टी डाल देंगे। सारे लिट्टी डाल दिए हैं। सारे लिट्टी जब ऊपर आ जाएगा तो हम समझ लेंगे ये पक गया है।
सारे लिट्टी को हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद तलेंगे इसे हम। इसे तलने में ज़रा भी तेल नहीं लगता है। सारे लिट्टी डाल लेंगे हम तेल में। दो तीन मिनट के बाद इसे पलट लेंगे। इसे हम पलट लिए हैं। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से तल लेंगे। लिट्टी गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे लिट्टी को हम तल लेते हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।